मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी डॉक्टर रॉय चौधरी हॉस्पिटल में वर्क करता हूँ और एज ए कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हम लोग पेशेंट का बहुत ही अच्छा शुगर लेवल कंट्रोल करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं डायबिटीज़ दो प्रकार की होती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2, और भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, पर मेनली जो हमें मिलती है देखने को वो टाइप 1 एंड टाइप 2 ही मिलती है। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना यूरोलॉजी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है, क्योंकि अगर शुगर लेवल पेशेंट का बढ़ता है, जैसा कि हम जानते हैं कि HbA1c जो कि ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन है वो आपका होना चाहिए 6 से 7 के बीच में, अगर आपको बहुत ही अच्छा सर्जरी से गुजरना है तो, क्योंकि यूरोलॉजी में यूरोसेप्सिस के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है तो। इसको हम बहुत ही अच्छे से मैनेज करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे ये एक टर्शरी सेंटर है, बहुत सीवियर सर्जरीज भी होती हैं जो कि शायद किसी और जगह ना हो सके। हमारे यहाँ ऑल इंडिया से पेशेंट्स आते हैं, कुछ बाहर से भी आते हैं। उनका केसेस ऐसा रहता है जैसे किसी को पेसमेकर लगा हुआ है, किसी को 3 स्टंट्स लगे हुए हैं, किसी का CABG हुआ है और बहुत से अदर डिजीजेस के साथ भी, और किसी का प्रोस्टेट का ग्लैंड बहुत लार्ज होता है, दे आर हाईली इन्फेक्टेड। तो उस केस में शुगर कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ये हम इसलिए कंट्रोल करते हैं ताकि इन्फेक्शन के चांसेस रिड्यूस करें और सर्जरी का सक्सेस रेट हम इम्प्रूव करें। जैसे कि हम देखते हैं कि जो टारगेट लेवल है हमें सर्जरी के लिए चाहिए 130 टू 160 के बीच में शुगर, तो जो पेशेंट मेडिसिन लेते हैं उनको हम एडवाइस करते हैं कि अपना मॉर्निंग डोज स्किप करें। उससे रीजन ये रहता है कि वो बिफोर ब्रेकफास्ट जो उनका मेडिसिन होता है, तो ड्यूरिंग सर्जरी उनको 6 आवर्स NBM रहना होता है। उसका मतलब हुआ कि आपको कुछ नहीं खाना है सर्जरी से पहले, तो उनका शुगर लेवल अपने आप ही ग्रेजुअली डाउन होने लगता है और कंट्रोल में रहता है। पर फिर भी किसी किसी केस में ये शुगर लेवल राइज करता है, 300 भी होता है, 250 भी होता है, तो उस केस में हमें इंसुलिन पेशेंट को एडवाइस करना होता है। इंसुलिन का डोज टाइट्रेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, और ये टाइट्रेशन पे ही चलता है, और जब पेशेंट का शुगर लेवल 130 टू 160 रहता है तभी हम उसको ऑपरेट करते हैं, और ड्यूरिंग ऑपरेशन ही नहीं, आफ्टर ऑपरेशन मींस पोस्ट ऑपरेटिव भी पेशेंट का शुगर लेवल कंट्रोल रहना चाहिए ताकि उसको कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इन्फेक्शंस ना हो पेशेंट्स को। इसको प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ऑपरेशन का सक्सेस रेट भी शुगर लेवल पे डिपेंड करेगा। तो ये हमें सबको एडवाइस करना चाहूँगा मैं कि शुगर अगर किसी पेशेंट को है तो वे घबराए नहीं, हमारे सेंटर पे बिल्कुल आ सकता है, उसको डाइट भी बताई जाएगी कि शुगर पेशेंट क्या खा सकता है और क्या उसको नहीं खाना चाहिए, क्या उसके लिए फिट है, जैसे वॉकिंग एक्सरसाइज एंड डायबिटिक डाइट इज अ मेन रोल आफ्टर सर्जरी एंड प्री ऑपरेटिव ऑल्सो। तो ये मैं आप सभी को एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि यूरोलॉजी सर्जरी में अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल्ड है तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत ही जल्दी रिकवरी हो जाती है ये। और कई पेशेंट्स जैसे कि डायबिटिक मेडिसिन लेते हैं जो कि खुद ही UTI करती हैं, तो उनका हम मेडिसिन भी स्टॉप करते हैं, तो वो भी बहुत जरूरी है। और इंसुलिन का यूज सिर्फ ड्यूरिंग ऑपरेशन ही किया जाता है, और सेम डे और नेक्स्ट डे से आफ्टर सर्जरी जब वो रिकवरी पीरियड में आता है तो वो अपना कंटिन्यू मेडिसिन ले सकता है नेक्स्ट डे, और देन ही इज फ्री। और मैं चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी क्वेरी हो डायबिटीज से रिलेटेड और यूरोलॉजी से संबंधित तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आपको अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप फेसबुक पे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ऑलवेज आंसर प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि डायबिटीज एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसको शायद मैं 2 मिनट या 3 मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए, पर मैं आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा हूं यहां पे, जिससे आपको पता चले कि घबराने की जरूरत नहीं है, आप यूरोलॉजी सर्जरी से गुजर सकते हैं और आप सेफली बिल्कुल अच्छे लेवल से सर्जरी कर सकते हैं, और आप उम्मीद कर सकते हैं हमारे इस सेंटर में कि आपको बहुत अच्छी केयर प्रोवाइड की जाएगी। और हमारे पास कई बार इंसिडेंटली
और वैसे तो हम पूरा होल बॉडी चेकअप करवाते हैं सर्जरी से पहले, जो जो रिक्वायरमेंट होता है, हमारे न्यू केसेस भी डिटेक्ट होते हैं, जैसे कि उनको पता नहीं होता कि दे आर डायबिटिक, पर हम देखते हैं कि 20-30% पेशेंट जो नॉन डायबिटिक हैं उनको पता चलता है कि दे आर डायबिटिक। तो अब मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपको, एंड धन्यवाद, थैंक यू। इफ यू हैव एनी व्यूज और कमेंट्स यू कैन आस्क मी। थैंक यू।